तो जी हाँ जनाब, आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर होगा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में, कि क्लास और ऑब्जेक्ट्स जो है सी शार्प में और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप इसको किस तरह क्रिएट करते हैं। तो कॉन्सेप्ट जो है सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक ही होता है, तो लेकिन जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो सी शार्प के हवाले से है। तो ये मैं कम्प्लीट प्लेलिस्ट बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट है ऊप्स का, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम हाईलाइट करेंगे और प्रैक्टिकली भी इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम थ्योरी को समझते हैं कि आखिर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह हम डिफाइन करते हैं। तो ये पहला लेक्चर है, तो इसको ये है कि मेरी वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करें। तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में ये होता है कि क्लास को हम क्या कहते हैं, क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सी शार्प के अंदर जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसमें चार पिलर्स होते हैं, तो वो तो वन बाय वन हम स्टेप तो शुरू करते रहेंगे, लेकिन आज जो इंट्रोडक्शन है और क्लास और ऑब्जेक्ट्स के हवाले से मैं आपको एग्जांपल से शेयर करूँगा कि किस तरह क्लास में एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और इसको हम किस तरह शेयर कर सकते हैं। तो एवरीथिंग जो है, एवरीथिंग इज़ कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट, यानी रियल लाइफ से अगर हम देखते हैं, रियल लाइफ से अगर हम कंपेयर करते हैं, तो हर वो चीज़ ऑब्जेक्ट है। जैसे कार है, स्टूडेंट है, और इसके अलावा जो आप अपने घरों में यूज़ करते हैं या कहीं भी आप जाते हो, और कोई भी जैसे साइकिल है या बस है, तो वो हर एक चीज़ जो है वो ऑब्जेक्ट है। जैसे अगर हम इसमें बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की और मेथड्स की बात करते हैं, रियल लाइफ से अगर हम देखते हैं, तो क्या कार और स्टूडेंट वो आपका एक ऑब्जेक्ट कहलाता है। कार के अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं जैसे वेट है और कलर है, तो ये सेम आपको कार के अंदर भी मिलेगा और स्टूडेंट के अंदर भी मिलेगा, तो दोनों में कॉमन है। तो ये वेट और कलर है। और मेथड्स की अगर हम बात करते हैं, तो कार का ड्राइव करना और ब्रेक लगाना, ये क्या है, एक मेथड कहलाता है, मेथड या फंक्शन कहलाता है। अगर हम स्टूडेंट की बात करते हैं, तो वेट, कलर और इसमें जो है डिफरेंट है जो है, यानी यूँ समझ ले हेयर कलर हुआ या इसका फेस कलर हुआ, तो ये क्या कहलाता है, ये एट्रीब्यूट्स कहलाता है स्टूडेंट का। और अगर हम इसके मेथड की बात करते हैं, स्टूडेंट के मेथड की बात करते हैं या इसकी जो है फंक्शंस की बात करते हैं, तो इसका जो चलना है, वॉक करना, स्माइल करना या रोना, हंसना, गाना, तो ये सारे क्या है, ये आपका मेथड्स कहलाता है, एक स्टूडेंट का मेथड कहलाएगा। तो एक रियल लाइफ से मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। तो ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास है। ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास की एक मिसाल है। तो क्लास इज़ लाइक अ फॉर्म है, एक फॉर्म की तरह होता है क्लास, और वी कैन मेक मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आप बना सकते हो। क्लास में क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें यह है कि अगर आपने क्लास में एक दफ़ा डिफाइन कर दिया एट्रीब्यूट्स को और मैथड्स को, तो आप उसको शेयर कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट के आपने जो प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को डिफ़ाइन कर दिया या एट्रीब्यूट्स को या मेथड्स को डिफ़ाइन कर दिया, तो उसको आप एक्सेस करोगे और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स स्टूडेंट का आप बना सकते हो। जैसे अली है, वसीम है, फ़हीम है, तो डिफरेंट, और जितने भी अगर 100 स्टूडेंट्स हैं, 1000 स्टूडेंट्स हैं, तो आप एक दफ़ा आप डिफाइन, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का यही फ़ायदा है कि आपने एक दफ़ा उसको डिफ़ाइन किया, कॉमन चीज़ें एक दफ़ा आपने रख दी क्लास में, और उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आप बना सकते हो। इसी तरह कार में अगर आप आते हो, तो कार में भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। कार के आपने वेट, कलर, क्योंकि हर कार, कुछ कार ऐसे हैं जिसमें आपने वेट और कलर जो है एक ही मॉडल की गाड़ियां हैं, तो उसमें वेट और कलर जो है एक जैसा होता है और उसका जो फंक्शनलिटी होता है एक जैसा होता है। तो आपने एक जगह क्लास के अंदर रखा और उसके जो है मल्टीपल ऑब्जेक्ट जो है आपने बना लिया। जैसे कार में आपने टोयोटा बना लिया, टोयोटा का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, निसान का, सुजुकी का, तो ये जो है आप इसको शेयरिंग कर सकते हो, मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट अब आते हैं कि प्रैक्टिकल को इससे समझते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा स्टूडेंट की, स्टूडेंट को लेकर हम चलेंगे और इसको किस तरह हम बनाते हैं। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आएंगे न्यू प्रोजेक्ट्स पे आएंगे। देखिए विजुअल सी शार्प आपका सिलेक्ट रहेगा, कंसोल एप्लीकेशन पे आएंगे और मैं इसको डेस्कटॉप पे
सेव करवा रहा हूँ, आप जैसा भी चाहें कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। डेस्कटॉप को सिलेक्ट करते हैं और मैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम दे रहा हूँ क्लास क्लास ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट और ओके कर दिया। अब देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे क्लास के अंदर जो है एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे सबसे पहले हम क्लास के अंदर जो है एट्रीब्यूट्स को या प्रॉपर्टीज़ को हम डिफाइन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है क्लास प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम को पहले हम चेंज करेंगे। प्रोग्राम की जगह पे हम स्टूडेंट को स्टूडेंट की क्लास बना रहे हैं, तो लिहाजा हम इस प्रोग्राम को जाकर यहाँ से सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे आएंगे और यहाँ पे आके इसको रीनेम कर देंगे। इसको मैं करता हूँ स्टूडेंट। इसको आप यस कर दें तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा, क्लास स्टूडेंट बन जाएगा। अब मैं इसमें जो है एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर रहा हूँ। सबसे पहले जो हमारा काम होगा वो एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करना। तो स्टूडेंट में सबसे पहले मैं ले रहा हूँ इंटीजर, इसका वेरिएबल ले रहा हूँ आई, यानी डिफरेंट एट्रीब्यूट ले रहे हैं। पहले आईडी ले रहे हैं, इंटीजर आईडी, इंटीजर आईडी वैल्यू लिया मैंने। दूसरा मैंने लिया वेरिएबल इंटीजर नेम वैल्यू, उसके बाद तीसरा वेरिएबल लिया, बल्कि मैं एज ले रहा हूँ, इंटीजर एज वैल्यू, तीन हो गए। और चौथा जो मैं ले रहा हूँ स्ट्रिंग सिटी वैल्यू। देखिए ये अब जो हमने मैथ है ये इस क्लास के अंदर जो एट्रीब्यूट्स को डिफाइन किया है, एट्रीब्यूट्स को जो है मैंने इसको असाइन कर दिया है। अब हमारा काम होगा कि मेथड बनाना। मेथड में अब हम इस तरह बनाएंगे क्योंकि क्लास में जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट में एक्सेस करेंगे वैल्यू को, तो उसके लिए हमारा दो काम होगा। पहले हम सेट करवाएंगे वैल्यू को और फिर उसे गेट करेंगे, और देन जो है मेन मेथड में आके हम क्या करेंगे, मेन मेथड में आके वो एक्सेस करेंगे ऑब्जेक्ट बनाने के बाद। तो पहले हम एक मेथड बना लेते हैं पब्लिक 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 वॉइड, क्योंकि हमें इसमें कुछ रिटर्न नहीं करवाना है बल्कि इसको सेट करवाना है। तो सेट सेट स्टूडेंट में कर रहा हूँ, सेट स्टूडेंट किया हमने और यहाँ पे अब आप जो करोगे इसके अंदर सेट स्टूडेंट के अंदर आप पैरामीटर को पास करोगे जिसके थ्रू जो हम इसे ऑब्जेक्ट बनाने के बाद गेट करेंगे। अब यहाँ पे आपने लिया इंटीजर आईडी ले लिया, ठीक है, इसके अंदर जो हम इसमें वैल्यू लेना है हमें, तो इंटीजर आईडी लिया हमने और दूसरा हमने लिया स्ट्रिंग नेम ले लिया और तीसरा जो मैंने लिया, क्योंकि इसके अंदर हमें असाइन करना है ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू के अंदर हमें इसको असाइन करना है, तो स्ट्रिंग नेम ले लिया है, स्ट्रिंग नेम और इंटीजर एज और स्ट्रिंग सिटी, ठीक है, ये फोर वेरिएबल्स हमने पैरामीटर को इसमें पास किया है। अब इसके बाद जो हम यहाँ पे सेट कराने के लिए क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे वैल्यू लिया है आईडी वैल्यू नेम वैल्यू, इसके अंदर जो हम इसको सेट कराएंगे। तो आईडी वैल्यू के अंदर हमने सेट करवाया आईडी को, इसके अलावा
नेम वैल्यू के अंदर जो है, नेम वैल्यू के अंदर हमने सेट करवाया है नेम को, उसके अलावा एज वैल्यू के अंदर हमने सेट कराया नेम को, सॉरी एज को, और फोर्थ में जो है सिटी वैल्यू को, सिटी वैल्यू को हमने सेट कराया सिटी के अंदर। तो ये हमारा सेट हो गया, वैल्यू को हमने सेट करवा दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप में काम होगा, हम बनाएंगे एक मेथड जिसमें हम गेट करेंगे। तो पब्लिक वॉइड गेट स्टूडेंट, गेट स्टूडेंट किया। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, गेट करना है और यहाँ पे प्रिंट करवाना है। तो मैं लूँगा कंसोल राइट लाइन सी डब्ल्यू टैप टैप दो दफ़ा, और यहाँ पे आपने लिखा स्टूडेंट, स्टूडेंट आई डी इज, स्टूडेंट आई डी इज ये सब स्टूडेंट के लोग, जितने भी स्टूडेंट आप बनाएंगे उसके लिए कॉमन होगा। स्टूडेंट आई डी इज, यहाँ पे प्लेस होल्डर देंगे, प्लेस होल्डर आपने दिया, और लास्ट में जो है आपने देना है आई डी, आई डी वैल्यू जिसमें आपने स्टोर करवाया है वैल्यू को। जितने ही पैरामीटर है इसकी वैल्यू को जो स्टोर आप करवा रहे हैं, इन तमाम जो है, इन तमाम के अंदर जो आप वैल्यू को स्टोर करवा रहे हो आई डी वैल्यू। अब इसी तरह इसको कॉपी कर लें और सेकेंड थर्ड फोर्थ है। अब स्टूडेंट नेम आ जाएगा, देखिए सेकेंड नंबर पे क्या है, नेम है, स्टूडेंट नेम इज़। अब यहाँ पे आपने नेम लेना है, नेम वैल्यू लेना है, नेम वैल्यू आ गया। इसके बाद, इसके बाद जो है एज आएगा, स्टूडेंट एज इज़ आई डी, नहीं सॉरी, एज, एज वैल्यू आ गई। और फोर्थ में आएगा स्टूडेंट सिटी, और यहाँ पे आप लोगे सिटी, सिटी वैल्यू। ठीक है, ये हमारा एक तरीका होता है। अगर आपने क्लास में एट्रीब्यूट्स और मेथड को डिफाइन करना है, कोई भी आप इस क्लास बना रहे हो, चाहे वो कार का हो, स्टूडेंट का हो, या बस का हो, कोई भी अगर आप बनाते हो, तो इस तरह का एक मेथड है। और उसके बाद जो हम एक्सेस जो करेंगे इन तमाम, यानी वैल्यू जो हम इंसर्ट करेंगे, अब हमें वैल्यू असाइन करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, तो उसके लिए हम मेन मेथड के अंदर आएंगे, और मेन मेथड में आके हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट जो बनाने का तरीका, वो ये है कि स्टूडेंट लिखा, और स्टूडेंट पहला मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, अहमद, अहमद का जो है एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो अहमद नाम दे दिया ऑब्जेक्ट का, और न्यू, और स्टूडेंट फंक्शन, ये आपका क्या हुआ, अहमद का एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब अहमद के अंदर जो है, अब मैं दो दो ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, एक अहमद बनाऊंगा और एक अलग एक नाम ले लूंगा, उसके अंदर जो है उसमें वैल्यू पास करूंगा। तो अहमद के अंदर जो है अब हमें सेट करवाना है, किसको करवाना है, वैल्यू असाइन कराना है, उसकी आईडी देना है, नेम देना है, एज देना है, सिटी देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अहमद, देखिए अहमद आ गया, डॉट किया, डॉट लगाया। अब हमें इसमें क्या करना है, सेट स्टूडेंट मेथड को कॉल करना है, सेट, सेट स्टूडेंट को, देखिए ये आ गया हमारे पास। अब इसके अंदर हमें वैल्यू पास करना है। अब आईडी जो हमने देना है वन दे दिया पहला, और नेम इसका रख दिया मैंने, चले मैं सैफ रख देता हूँ, नहीं सॉरी अहमद ही रखेंगे, क्योंकि हमने अहमद को ऑब्जेक्ट बनाया ना, तो अहमद रखा हमने। और इसकी जो एज हमने रख दिया 33 रख दिया, और सिटी हमने रख दिया कराची, ठीक है, ये हमने दे दिया। और उसके बाद जो हमने, अब हमें क्या करना है, ये तो सेट कर, अब हमें गेट भी करना है। तो गेट करने के लिए आप क्या करोगे, अहमद डॉट गेट स्टूडेंट, ये आपका कॉल हो जाएगा। जैसे ही कॉल करोगे आप गेट स्टूडेंट करके, तो ये अहमद का पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। उसके बाद मैंने एक दरमियान में एक ब्रेक लगा दी, क्योंकि मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे एक ब्रेक कर दे रहा हूँ, ब्रेक लाइन लगा दे रहा हूँ,
सिंपल एक लाइन ड्रॉ करो ताकि मिक्सअप ना हो। अब ये हो गया। अब मैं आता हूँ इसका जो है सेकंड ऑब्जेक्ट बनाने का जो तरीका है वो वही होगा। हम स्टूडेंट लेंगे, देखिए बार बार मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्टूडेंट का ही ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो इसमें डिफरेंट नाम आप ले सकते हो और एक्सेस आप कर सकते हो, चाहे वो टू स्टूडेंट हो, फाइव हो, 100 हो, 1000 हो, जितने भी हो वो आप एक्सेस कर सकते हो। अब मैं दूसरा बनाने जा रहा हूँ वसीम के नाम से। अब वसीम दूसरा एक स्टूडेंट है तो उसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और काम फिर वही होगा हमारा। अब हमारा जो प्रोसीजर है वही होगा, हमने वसीम किया, देखिए वसीम आ गया डॉट, और क्या किया हमने सेट, सेट स्टूडेंट, फिर वही हमारा काम होगा। अब जो इसकी आईडी मैंने रख दिया टू और यहाँ पे लिख दिया वसीम, और इसका जो एज दे दिया 45 दे दिया मैंने, कुछ भी दे सकते हैं आप, आपकी मर्जी पे है, 45 दे दें या चले मैं 22 कर देता हूँ। और यहाँ पे आपने सिटी दे दिया, सिटी नेम लाहौर कर दे रहा हूँ मैं, लाहौर कर दिया ये आपका। अब हमारे जो नेक्स्ट काम होगा वो ये होगा कि हम इसे कॉल करेंगे, गेट करेंगे, तो स्टूडेंट नहीं सॉरी वसीम, वसीम डॉट गेट, गेट स्टूडेंट फंक्शन। अब ये आपका तैयार हो गया, अब ये कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, अब देखें इसका रिजल्ट क्या आता है। देखिए इसमें एक काम मैंने नहीं किया है, वो ये करना है कि आपको यहाँ पे लास्ट में जो देना है कंसोल डॉट राइट, कंसोल डॉट रीड लाइन फंक्शन। रीड लाइन फंक्शन ये करता है कि स्क्रीन को होल्ड कर देता है, स्क्रीन को होल्ड कराने के लिए, ताकि आप उसका जो आउटपुट है वो आप देख सकें। तो मैंने कंसोल डॉट रीड लाइन की वजह से ये एरर आ रहा था, तो अब इसे मैं रन करता हूँ तो आप देखें रिजल्ट इसका। देखिए स्टूडेंट आईडी जो मैंने पहला ऑब्जेक्ट बनाया था, अहमद का ऑब्जेक्ट बनाया, तो स्टूडेंट आईडी जो है 1 शो कर रहा है, और नाम मैंने लिया अहमद लिया है, स्टूडेंट एज 33 है, स्टूडेंट सिटी कराची है, स्टूडेंट आईडी इज 2, और सेकंड जो ऑब्जेक्ट है नेम वसीम है, एज 22 है, सिटी जो नेम है वो लाहौर है। तो इस तरह आप चाहे, मैंने तो स्टूडेंट का बनाया एक ऑब्जेक्ट और उसके बाद उसको स्टूडेंट की क्लास बनाया और उसके जो है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना दिए। इसी तरह आप कार का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो, कार को आपने डिफाइन कर सकते हो क्लास के अंदर, और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, मल्टीपल कार्स बना सकते हो, उसके ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का, जो है मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है। तो आई होप डेट मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ये कि मज़ीद जो है मैं आपका जो नेक्स्ट जो अगला जो वीडियो होगा वो मैं कंस्ट्रक्टर पर बनाऊँगा कि वाट इज़ जो है कंस्ट्रक्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्टर भी, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो यह है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी मैं उम्मीद करता हूँ, और यह है कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो है सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, हो सके तो सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन पर जो है लाजमी जो है प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक जो है पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।